नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंडे का और डेट थी 15 अप्रैल। पार्थ स्कूल चला गया था। पार्थ के स्कूल जाने के बाद से मैंने वीडियो शुरू किया था। पार्थ आज लंच में ले गया था आलू फ्राई और रोटियाँ। पार्थ का लंच बन गया था, बची हुई जो सब्जी थी तो उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। और फ्रेंड्स, सारा दिन तो मेरा काम ऐसे ही निकल गया था और जब अचानक से और रात को पता चले कि कहीं जाना है तो मैंने किस तरीके से मैनेज किया। पार्थ स्कूल चला गया था, जो सब्जी में मैंने बनाई हुई थी तो उसको मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और बस यहीं से मेरा जो काम है तो शुरू हो गया था। सारे जो बर्तन थे तो उनको मैंने सिंक में इकट्ठा कर दिया था और जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जाऊंगी। हस्बैंड ने आज चाय नहीं पी थी तो उनको मैं चाय दे दूंगी और फिर इसके बाद जो बाकी का क्लीनिंग का काम है तो वह मैं कर लूंगी। और यहाँ पर जो पेपर रखे रहते हैं न्यूज़पेपर, तो वह काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे तो इनको बीच बीच में यहाँ से हटाना पड़ता है। और पेपर मैंने जो हटाने थे तो उनको इकट्ठा कर लिया था और जो मैट रखे थे तो उनको भी मैं अभी कुछ कुछ मैट को हटा दूंगी क्योंकि अब ठंडियाँ चली गई हैं तो इतनी ज़्यादा कुछ खास मैट की ज़रूरत नहीं होती। सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी और फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में और बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी। और ये थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है तो हमेशा ही होती रहती है। सभी जो सेल्फ लगे हैं तो उनको मैं पोंछती जा रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी आ गई है और हवा भी काफ़ी चलती रहती है तो थोड़ी बहुत डस्ट तो आती ही रहती है। घर कितना भी बंद हो फिर भी डस्ट आती ही रहती है। सारा जो सेल्फ में जो थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन वाला सामान रखा था तो उसको मैंने पोंछ दिया था। सोफ़ा को मैंने अरेंज कर दिया था और सोफ़ा अरेंज करने के बाद फिर जो सेंटर टेबल थी तो उसको भी मैं पोंछ दूँगी। और सेंटर टेबल डेली ही पोंछनी होती है क्योंकि डेली ही थोड़ी बहुत तो गंदी हो ही जाती है। सभी जो चीज़ों को मैं कॉलिन से साफ़ करती जा रही हूँ। फिर यहाँ से साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में। तो यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ तो इसको भी मैं पोंछ दूँगी और यह मिरर भी बीच बीच में गंदा होता ही रहता है तो इसको हर 2-3 दिन में साफ करते रहना पड़ता है। और जो मिरर था तो मैंने इसमें पहले थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लगाया था, फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर से पोंछा था, फिर उसके बाद मैं कॉलिन की क्लीन कर रही हूँ। और मैं हमेशा जो मिरर होते हैं तो उनको न्यूज़पेपर से ही साफ़ करती हूँ तो इससे जो मिरर हैं तो वह बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो बर्तन मैंने इकट्ठे किए हुए थे तो उन सभी बर्तनों को भी मैं साफ़ करती जाऊँगी और जो मेरा क्लीन फिर बर्तन भी साफ़ करती जाऊंगी। और जब बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो फिर अभी पोछा नहीं लगा है, सुबह मॉर्निंग की जो झाड़ू रहती है तो वह लग चुकी थी और बस इसके बाद अभी पोछा भी रह गया है। वो बर्तन धुल जाएंगे तो उसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। फिर पोछा भी मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी और नहाने के बाद से जो बाकी का किचन का काम रह जाता है तो वह भी मैं कर लूंगी क्योंकि सुबह सभी को जल्दी जाना रहता है तो इसलिए जो काम है तो जल्दी जल्दी मैनेज करना होता है। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद फिर मैं कर लूंगी लंच की तैयारी। और इसके पहले मैं बनाने वाली हूँ बनाना शेक। और बनाना शेक के लिए लिए थे मैंने 2 बनाना और जो केले थे तो उनको मैंने छील लिया था। छील कर मैं इनको काट लूँगी और फिर जो बनाना शेक है तो वह भी मैं बना लूँगी। और केले जो मैंने लिए थे तो उनको मैंने काट लिया था और काटने के बाद फिर 1 ग्लास मैंने दूध लिया था और इसमें इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया था। और जो केले मैंने काटे हुए थे तो इनको भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी। और मैंने इसमें आइस नहीं डाली है और आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। केले और मैंने डाल दिए थे और इसके बाद मैंने डाले थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डाली थी मैंने 1 छोटी चम्मच शक्कर और आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं और या फिर विदाउट शुगर और भी बना सकते हैं क्योंकि केले तो ऑलरेडी मीठे होते ही हैं। फिर इसके बाद
सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था, और पीसने के बाद फिर जो हमारा बनाना शेक था तो वह तैयार हो गया था। और बस इसको मैंने कप में निकाल लिया है और इसको इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट किया था और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और फ्रेंड्स, जो लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उनके लिए जो बनाना शेक है तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जब बनाना शेक बनाते हैं तो उसमें बनाना शेक बनाते समय एक छोटी चम्मच अलसी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और भुने हुए चने का पाउडर, जिसे हम सत्तू भी बोलते हैं, तो उसको भी एक चम्मच डाल देंगे। और इसमें चीनी भी नहीं डालनी है, सीधा दूध, बनाना और बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे और ग्राइंडर जार में पीस लेंगे, जिससे हाई प्रोटीन बनाना शेक भी तैयार हो जाएगा। और मैं बना रही हूँ आज दाल चावल, दाल मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, सभी दालें मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली थी और दाल को मैंने बनने के लिए कुकर में रख दिया था। दाल बनते समय ही मैंने ड्राई मसाले डाल दिए थे और साथ में ही मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाल दी थी। दाल जब तक पक रही है तब तक जो चावल मुझे बनाने हैं तो उनको भी मैं धुल कर रख दूँगी। और अभी फ्रेंड्स चुनाव का समय चल रहा है तो हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं और बीच बीच में उनको फ़ोन भी आता रहता है, तो वह तुरंत ही चले जाते हैं, तो इस वजह से जो मुझे खाना है तो काफ़ी जल्दी बनाना होता है। फिर जो दाल बन गई थी तो दाल मैंने फ्राई कर ली थी, चावल भी मैंने बना लिया था और रोटियां भी मैंने बना ली थी। और इसके बाद मैंने आज खाने में बनाया था दाल चावल, रोटियां और जो आलू जीरा थे तो सुबह ही बन गए थे। और बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर इसके बाद मैंने बर्तन धुल लिए थे, बर्तन धुलने के बाद फिर किचन भी मैंने क्लीन कर ली थी। किचन क्लीन करने के बाद फिर जो किचन में नल लगे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ करती जाऊंगी, और नल को मैं गीले कपड़े से ही साफ कर रही हूँ। पहले गीले कपड़े से साफ करूंगी, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ करूंगी। और मैंने नल में कोई डिटर्जेंट भी नहीं लगाया था, बस सिंपल गीले कपड़े और सूखे कपड़े से ही साफ किया था। इसके बाद फिर जो बाकी के नल लगे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ कर लूंगी, और पहले मैं गीले कपड़े से साफ करूंगी, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछती जाऊंगी। और सभी जगह के जो नल लगे हैं तो बस ऐसे ही मैं साफ करती जाऊंगी। और ये जो नल है तो ये भी बीच बीच में साफ करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ साफ करते हैं तो वह साफ रहती है, और जब काफ़ी टाइम तक साफ नहीं करते हैं तो वह भी गंदी होने लगती है। तो जो नल है तो सभी नलों को मैं पोंछती जा रही हूँ, और फिर इसके बाद जो बाहर नल लगा हुआ है तो उसको भी मैं साफ कर लूँगी। और इस तरीके से जो मेरी क्लीनिंग है वह चलती रहती है, घर मेरा साफ और व्यवस्थित भी बना रहता है। दोनों वॉश बेसन भी साफ हो गए थे और नल भी मैंने साफ कर लिए थे। फिर इसके बाद मैं मेरे जो थोड़ी बहुत सिलाई करनी थी तो वह भी मैं करने लगी थी। फिर इसके बाद मैं सीधा मिलती हूँ शाम को, और शाम हो गई थी और मैंने चाय बना ली थी, सभी ने चाय पी ली थी और मैं खाना बनाने ही वाली थी, तभी अचानक से फोन आता है और बुलाया था कि एक नींग होता है जिसमें मिट्टी लेने जाना पड़ता है, तो बस उसी में जाना था। और उन्होंने बोला था कि 10-15 मिनट में आ जाना, और मैंने खाना बनाना अभी शुरू ही किया था। फिर क्या था, मैंने जल्दी जल्दी सब्जी छीनने लगी और मेरे जो काम की स्पीड है तो वह और भी बढ़ गई। और सब्जी छीलने के बाद मैं करेले बनाने वाली थी, तो सब्जी करेले छील लिए थे और मैंने हस्बैंड को दे दी कि आप इसको काट दो ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि वहाँ टाइम से पहुँचना ही पड़ेगा। फिर हस्बैंड जब तक सब्जी काटने लगे और मैं जल्दी जल्दी बर्तन सेट करने लगी, क्योंकि पार्थ अभी नहीं जाने वाला था, तो अगर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो पार्थ खाना भी खा लेगा। तो बस यही सोचकर हम जल्दी जल्दी खाना भी बनाने की तैयारी करने लगे। हस्बैंड सब्जी काट रहे थे और उनसे जैसे ही सब्जी बन रही थी तो वो काटते जा रहे थे, और मैंने फटाफट आटा तैयार किया और मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। रोटियाँ बनती जा रही हैं और सब्जी भी तब तक कट गई थी। और पार्थ बोल रहा था मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं, कहाँ जा रहे हो। तो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा अभी हमको ही अभी पता चला, तो तुम्हें कैसे बताते। फिर उसके बाद रोटियां भी बन रही थी और रोटियां बनने के बाद फिर फोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ, तो बस हम लोग जाने ही वाले थे। और खाना बनने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। फिर उसके बाद और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि सब्जी का छिलका जितना पतला हो सके उतना पतला निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और यही मेरी आज की टिप है। फिर इसके बाद रोटियां बनाती जा रही थी, क्योंकि हमको काफ़ी लेट पता चला था कि
हमें अभी जाना भी है, तो बस इसके बाद रोटियां बन गई थी और फटाफट से मैं कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। कढ़ाई गर्म हो गई थी और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने जीरे और लहसुन डाल दिए थे और जो सब्जी थी तो वह भी कट गई थी। और इसमें आज मैंने नमक डालकर नहीं रखा था क्योंकि काफ़ी जल्दबाजी थी। सब्जी कटने के बाद फिर तेल में मैंने करेले को भी डाल दिया था और इनको अच्छे से भुनने दूंगी। और करेले भी धीरे धीरे पकते जा रहे थे, मैंने इसमें नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद फिर इनको धीमी आंच पर मैं भूनती जाऊंगी। और जब तक बीच बीच में सब्जी मैं चेक करती जाऊंगी, और जब तक सब्जी पक रही थी तो बीच में मैं तैयार होने के लिए भी चली गई थी क्योंकि हमें जल्दी जाना था और सब्जी में काफ़ी लेट ना हो जाए, तो इस वजह से सब्जी बनती जा रही थी और बीच बीच में मैं चेक भी करती जा रही थी और तैयार भी होने चली गई थी। फिर मैंने प्याज काट कर भी डाल दिया था और प्याज डालने के बाद मैंने तुरंत ही मसाले डाल दिए थे और जो गैस थी तो उसको एकदम स्लो कर दिया था, तो जिससे मेरे दोनों काम होते रहेंगे, सब्जी भी बनती रहेगी और मैं तैयार भी हो जाऊंगी। फिर इसके बाद सब्जी भी अच्छे से बनती जा रही है और गैस स्लो था तो वह भी धीमी आँच पर, करेले हैं तो वह भी पकते जाएंगे। और जब कहीं ज़्यादा जल्दी हो और अर्जेंट जाना हो तो मैं मेरा काम इसी तरीके से करती हूँ। फिर मैं तुरंत ही तैयार होने आ गई थी और फिर मैंने चेंज भी कर लिया था और फिर चेंज करने के बाद फिर तुरंत तैयार भी मैं हो जाऊँगी और मैं फटाफट जल्दी ही तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद फिर हम तुरंत ही निकल गए थे। तो इस तरीके से हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो जिनके यहाँ शादी है तो वह भी हमारे लिए परिवार के ही हैं, तो वह उनकी भी जो ड्यूटी है तो वह भी चुनाव में लगी हुई है, तो इस वजह से वह भी लेट आए थे, जिससे कार्यक्रम भी लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और बस वहाँ पर जो मेघ होने थे तो वह भी हो गए थे, क्योंकि मैं भी परिवार की हूँ तो उन सब में मुझे भी शामिल होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो गुनेग हो रहा था तो वह हो गया था और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ पर मेरी मौसी मुझे अचानक से मिल गई, जो कि मुझे मेरी शादी के बाद पहली बार मिली थी। और बस वहाँ पर मैं उनसे बात करने लगी और बात करने में फिर मैंने ज़्यादा वीडियो वहाँ पर शूट नहीं किया, बस यहाँ पर जो नेक हो रहा था तो बस वह चलता जा रहा था, सभी लोग वहाँ पर खड़े थे। ज़्यादा कुछ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मौसी मिल गई थी, तो फिर मैं उनसे बात करने में लग गई थी और बाकी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। और घर आते आते हमको रात को 11 बज गए थे और 11 बजे आने के बाद फिर जो अभी किचन थी तो किचन का कुछ कुछ सामान मैंने समेट दिया था, सब्जी में बना कर रख के गई थी, पार्थ ने खाना नहीं खाया था तो सभी के लिए मैं खाना लगा लूँगी। और वहाँ से आने के बाद मैंने रायता बनाया था, फिर सभी के लिए खाना भी लगा दूँगी और सभी खाना भी खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन की क्लीनिंग है तो बर्तन की क्लीनिंग मैं करती जाऊँगी और साथ में किचन को भी मैं साफ कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से जो मेरे काम होते हैं तो मैं करती जाती हूँ। और हो जाता है कभी कभी ऐसा कि कहीं अचानक जाना पड़ता है, और घर परिवार में तो ये सब चलता रहता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।